न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रोस्किल हब, गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर सिंगरौली से, जहां शव वहां नहीं मिला तो बुजुर्ग का शव खाट पर ले जाना पड़ा। बुजुर्ग के परिजन ने एम्बुलेंस और शांति वाहन के लिए सिंगरौली के अस्पताल से संपर्क किया, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका। परिजन शव को खाट पर रख कर और खाट को कंधे पर रखकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद पुलिस ने मदद की। पुलिस ने अपनी गाड़ी में शव रखकर गांव तक पहुंचाया। मामला सिंगरौली के सरई तहसील का है। परिजन शव लेकर 5 किलोमीटर तक चल रहे थे। इसके बाद सीधी जिला लग गया, जहां राहगीरों की नज़र शव पर पड़ी। उन्होंने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में शव रखा और परिजनों को भी बैठाया। इसके बाद उन्हें लेकर बेटे गांव पहुंचे। मृतक के परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया था, अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस वाहन नहीं मिल सका। उसके बाद वे शव को खाट पर लेकर पैदल ही 20 किलोमीटर दूर अपने गाँव निकल पड़े थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके जैन ने कहा कि अस्पताल में मौत होने पर या पुलिस की सूचना पर शव वाहन मुहैया कराए जाते हैं। इस मामले में मौत अस्पताल में नहीं हुई है, इस वजह से उसे शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर अरुण परमार ने कहा कि इस मामले में जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे ये सूचना फोन के द्वारा मिली थी कि एक थाना भुईमार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेदू के मनमोहन सिंह हैं, जो बीमारी से सरई में ख़त्म हो गए हैं। उसकी जैसी मुझे सूचना मिली कि सबको एक खाट के द्वारा ले जाया जा रहा है, तब मैंने त्वरित कार्रवाई के करते हुए और अपने शव वाहन की व्यवस्था के लिए प्रयास किया। जब उसमें देरी होते हुए दिखाई दी तो थाना भुईमार की गाड़ी से उसके शव को ले जाने का प्रयास किया। मैं अपने थाना क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई घटना आप देखते हैं कि किसी ब्रह्मलीन शव को खाट या हाथ ठेला के द्वारा ले जाया जा रहा हो, तो उस समय पर आप संवेदना रखते हुए और उसको आवश्यक सुविधा के साथ उस शव को ससम्मान उसके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करें।